क्षिप्रावेत्रवते च महासुरवते साता गया गंगते पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता सदा मंगल शुभ लग्ने सावधान सांसर साक्षी सावधान पवन पाणी सावधान वाजंती सावधान रुक्मणी विवाह सावधान। हमारे विवाह के प्रसंग में हमारे पंडित जी मांगीलाल जी सामरा साहब भी पधार चुके हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन महुआ से है ना, हमारे महुआ से बता रहे हैं, उनको भी बड़ा हर्ष है। सांवलिया की शादी में सांवरा जी बता रहे हैं, सांवलिया की शादी में सांवरा जी आ गए, बहुत बढ़िया खुशी की बात है। जय हो। अब भगवान का पंडित जी मंगल करवाइए, आप पधार जाओ, हाथ लगवा दो। आपका हाथ सांवरा की शादी में हाथ लगने का था, आपका भी सवाल पंडित जी भी हाथ लगा दो, आप पधार गए। जय पंडित जी के यजमान भी पता रहे बंसीलाल जी पाटीदार साहब। जय हो, बहुत अच्छी बात है। सभी भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाएंगे, जैसे विवाह संपन्न होगा उसके बाद महाआरती होगा, और महाआरती में सबको भोजन ग्रहण करके जाना है। जितना भी कन्यादान का संकल्प का जो पैसा आएगा रुक्मणी विवाह का, ये गौ सेवा में हम अर्पण करेंगे। तो आपके दुग्गर सिंह जी साहब, आपके वहाँ गौशाला है ना, तो आपको समर्पण कर देंगे जैसा आपको उचित लगे। हाँ, जो भी हो गौ सेवा में व्यवस्था रहती है हमारी, ये हम गौ सेवा के लिए करते हैं। बराती ले जाए बड़े है ना साहब, तो आपके सुपुर्द में जैसी व्यवस्था है, लेकिन गौ सेवा में ही जाना चाहिए, ये हमारा एक नियम है। ठीक है ना साहब, बहुत अच्छी बात है। भगवान की कृपा बनी रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे और प्रभु की कृपा बनी रहे। गौ सेवा में अधिक से अधिक हमारा यही रहता है कि अधिक से अधिक पैसा गौ सेवा में जाए, ताकि हमें भी पुण्य लगे और आपको भी लग जाए। वैसे तो हम कमा ही रहे बहुत देर, भगवान ठाकुर जी ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सारे वक्ता तो अपने अधिकार में लेते हैं सब, क्योंकि रुक्मणी का जितना पैसा आता वक्ता ही लेते हैं, लेकिन हम नहीं लेते हैं। हमारा तो नियम ही यही है कि गौ सेवा में जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आयोजन कराने वाले भक्तों की जय हो, आयोजन कराने वाले भक्तों की जय हो, सहयोग देने वाले भक्तों की जय हो, सेवा करने वाले भक्तों की जय हो, बारात लाने वाले भक्तों की जय हो, बारात का स्वागत करने वाले भक्तों की जय हो, भोजन प्रसाद सहयोग देने वाले भक्तों की जय हो, सभी समस्त भक्तों की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए विवाह संपन्न कराइए, दूसरे को माला अर्पण कराइए और पात्र पहुंचा दो। अभिषेक जी दो चार पांच कार्यकर्ता पात्र पहुंचा दो जल्दी। सरपंच साहब पात्र पहुंचा दो। भगवान विष्णु मंगलम सर्वमंगलायतनो हरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जल्दी पात्र पहुंचा दो ताकि व्यवस्था ना बिगड़े और आरती समय पे हो जाए, ताकि भोजन प्रसाद लेने में व्यवस्था ना बिगड़े। और सभी भोजन प्रसाद लेके जाएंगे, अब आरती होगा उससे पहले सब व्यवस्था। पात्र पहुंचा दे जल्दी। बोलिए जय नारायण भगवान की जय। देखिए व्यासपीठ पे जो भेंट करना चाहते हैं वो यहाँ व्यवस्था रहेगा, वो व्यासपीठ की व्यासपीठ पे जाएगा, बाकी जो जहाँ जाएगा वो सब वहाँ की जाएगा है ना। जिसके अगर किसी के यहाँ की इच्छा हो तो वो अपने पंडित जी से संपर्क कर लेंगे, सावरा जी से। श्री राम जी पंडित जी, सावरा जी आप थाली सजा करवा लो, थाली तैयार करवा लो आरती की। महाआरती होगा। हाँ, राजा भीष्म जो बने हैं हमारे ठाकुर साहब, आपको कन्यादान करना है प्रथम भैया।
पटेल साहब आपको भी कन्यादान करना है, अब जीप खड़ी करने का मौका आ गया है। राधे राधे सदगुरुदेव भगवान की। और व्यासपीठ पे भी करना है, व्यासपीठ पे भी भेंट करना है। सभी अपने बारात लेके आए यजमान जो है ये भी बधाई देंगे, क्योंकि ये नाड़ी ले जा रहे हैं, इसलिए हमारे कलाकारों को बधाई देंगे। राधे राधे, क्योंकि लाड़ी ले जाता है वो बधाई देता है। अच्छा अपने वहां से तो पता रहो ना, पता रहो मंच पे स्वागत है सभी का। हाँ इधर आ पता रहो, क्योंकि कलाकारों को भी स्वागत हो जाएगा, व्यासपीठ का भी स्वागत हो जाएगा, बधाई भी देते हो आप आपके हाथ से। और व्यास जी महाराज का स्वागत हो तो भाग्यशाली है हमारे सिलेगढ़ वाले भगवान भक्त जो बरात लेके ठाकुर जी के आए हैं। इतनी बड़ी बात है साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद। दुपट्टे करो वो मुझे राज आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना वो तुझे मिल गया पुजारी, ओ तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना।
भगवान की आरती होने जा रही है ठाकुर जी की।